अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। आज मैं और मेरा कज़न पिंबर कोच लेने जा रहे हैं। हमारे चरियावला से कोच नहीं मिला तो आप पिंबर जा रहे हैं। हम घर से निकल चुके हुए हैं तो रास्ते में हैं। अच्छा जी, ये गोश्त वाली दुकान में आ गए हैं, अभी इधर से ले लेने लगे हैं गोश्त। अच्छा जी, ये 400 करने के लिए गोश्त लगाया हुआ था मैंने, तो हमने जो से है ये ले लिया है। तकरीबन 3000 रुपये लगे, बना था 6 किलो और कुछ ग्राम बना था। ठीक है, इधर से गोश्त लेकर अब हमने जाना है दही देने। ठीक है, तो गोश्त मैंने ये बना लिया देखने शॉप। ये गोश्त है जी। ले लिया और दही भी ले लिया है, तो अब चलते हैं हम वापस घर की तरफ। अच्छा जी, गोश्त आ गया। अब इसमें हम डालेंगे जो से मसाले जहाँ डालने हैं वो सब कुछ डालेंगे। ठीक है, तो ये मसाले डाल रहे हैं, सारे मसाले डाल लेने हैं इसमें। ठीक है, इसमें डाल लेना है तिक्का मसाला, उसके बाद नमक डाल लेना है आपने, दही डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिरका डाल लेना है, उसके बाद आपने चिली सोया सॉस डाल लेना है। तो फिर सारे मसाला जात को डाल के तो अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो आपने अगर उसमें कुछ और डालना हो अपने जायके के लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, सारे मसाले डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको जो सा तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए आपने रख देना है। अच्छा, मसाले डालने के बाद आप किसी पैन से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, यहाँ से काट लें पहले एक बार इसको जो सा ये तंथे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सा मसाले हैं वो जो सी चिकन है उसके साथ अच्छी तरह लग जाएगा। उसके बाद हम हाथ से इसको जो सा मिक्स करेंगे। तंथे से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको बारी आ गई हाथ से मिक्स करने की, तो इसको अच्छी तरह आप हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये इसमें दही भी डाला है और अब हाथ से मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अब इनको सीहों पे लगा लें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको रखा है मैंने मिक्स करके, तकरीबन घंटे से ज़्यादा रखा है। तो जो सा मसाला देख लें अच्छी तरह सारी चिकन के ऊपर लग गया हुआ है। ठीक है, सीहों पर लगाने के बाद आप इनको हल्की आँख पे रख लेना आपने। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आग होगी तो ये जल जाएंगी, हल्की आग होगी तो ये जलेंगी नहीं, अच्छी तरह फ्राई होंगी। ठीक है, ये देख लें आस्ता कर ली आग, ज़्यादा तेज़ थी तो अब अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अगर आग तेज़ होती तो ये जल जाती, तो इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। थोड़ी ज़्यादा देर रखेंगे तो अच्छी तरह फ्राई होंगी। ठीक है, देख लें ये हमारी सारी फ्राई हो गई हैं। तो आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।